हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। तो हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में यहाँ पे बन चुकी है इसमें चाय और इसमें दूध रखा हुआ है। तो ये रही मेरी चाय और ये रहे बिस्किट्स, ये रहे लड्डू, लड्डू मैंने खा लिए। और वहाँ पे जो है दूध, इसमें चाय है। तो चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। और कल का वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, सुबह के 9 बज रहे होंगे लगभग, क्योंकि आज बहुत देर हो गया, बहुत सारा काम था, पूरा काम बचा हुआ है। वहाँ पे कपड़े बचे हैं तो मुझे तो करना नहीं है, मुझे रूम भी फैला हुआ है और टीवी वाले रूम फैला हुआ है, सारा रूम फैला हुआ है। मैं चाय बिस्किट खा लूँगी, लड्डू खा लूँगी। और मम्मी लाई थी झूला बाबू के लिए, वो झूला है। अभी जितने भी गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं उसको खोलना है, तो आज खोलूँगी और आज का वीडियो अपलोड कर दूँगी पहले। तो कल थी सत्यनारायण की कथा, कथा तो सब हो चुकी है और सारे रिश्तेदार जा चुके हैं, मेरी मम्मी लोग भी जा चुकी हैं, मौसी लोग भी कल शाम को ही चली गई, मैं वीडियो नहीं बना पाई। और भी बहुत सारे लोग आए थे, बुआ लोग सब लोग चले गए कल शाम को, और जीजू थे, जीजू आज सुबह गए हैं। कल रात में बहुत सारा, मतलब कि ऐसे ही सब लोग नाच वाच रहे थे, पहले ये सब प्रोग्राम नहीं था कि डांस वांस का। सब कुछ हो गया है फाइनली। सत्यनारायण की कथा यहाँ पे बहुत साल बाद हुई है, और जब आपको भगवान निमित्त बना के कुछ कराना चाहता है ना, तो वो आपके हाथ से करा देता है। तो अगर मेरा बाबू, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मुर में हुआ था, मतलब कि चेहरा फादर को नहीं देखना चाहिए, तो वैसे ही हुआ था। तो भगवान जब आपसे कोई चीज़ कराना चाहते हैं ना, तो वो करा देते हैं। और मेरा जितना भी काम हो रहा है, अब हो रहा है, मैंने ये चीज़ देखा जनवरी से, मंगलवार के दिन ही हो रहे हैं, और हनुमान जी की कृपा है, सब चीज़ हो रहा है। और मैं सच बता रही हूँ, तो मैं आप लोग से सही मैसेज बता रही हूँ कि जब आप आपसे भगवान जी कुछ करवाना चाहते हैं, कोई अच्छा काम करवाना चाहते हैं, तो कभी कभी आपके साथ ना कुछ गलत भी हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़, पहले आपको समझ में नहीं आता कि वो चीज़ क्यों हुई है, किस लिए हुई है, आपको लगेगा कि भगवान जी सब आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके साथ बुरा क्यों रहे हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ईश्वर जो भी करते हैं ना, जो भी करते हैं सच में, चाहे वो कितना भी गलत हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो आपके साथ, आपको बुरा से बुरा पल दिखाना, आपको बुरे से बुरे चीज़ों से गुजारना, रास्तों से गुजारना, आपको हडक देना, टेंशन देना, भगवान जी नहीं देते। वो आपकी उस परीक्षा से गुजर कर जो पार होता है ना, जो सब कुछ झेल के आगे जाता है ना, वो लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, और सबसे अच्छी लाइफ होती है, वो लाइफ होती है कि आपको कोई चीज़ आसानी से ना मिले, और मिले तो कठिनाइयों से मिले, और कुछ मतलब चल के किसी चीज़ को पाना हो, जाना हो, तो वो सबसे अच्छा होता है। और
आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पिछले साल से, मतलब 2023 से मैं हनुमान जी का संकल्प लेके मैंने 7 दिन का पाठ किया था। उस टाइम पे मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो मैं हनुमान जी से बोल रही थी कि मैंने आपका पाठ किया संकल्प लेके 7 दिन का, आपने फिर भी मेरे साथ गलत किया, आपने मतलब क्यों ऐसा किया मेरे साथ। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, गलत ही गलत हो रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने गुस्सा के हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, कल मैं आप लोग से जो बता रही थी कि मैंने हनुमान जी का पूजा संकल्प लेके किया था 7 दिन का, फिर भी उस मेरे साथ गलत हो रहा था, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। और ये है मेरे टी टाइम, तो आज भर के ग्लास में मतलब आधा से ज़्यादा ग्लास चाय पी हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है परसों से, आज तीसरा दिन है गर्मी का। तो मैं बता रही थी कि हनुमान जी के मैंने पूजा पाठ जब शुरू किया तो पता नहीं क्यों मेरे साथ गलत ही गलत हो रहा था, शायद मेरे अंदर पेशेंस की कमी थी। यार मैंने ये चीज़, हो सकता है ये चीज़ मैंने सोचा हो कि सब ठीक हो जाएगा, मतलब कुछ करने से पहले ही मैंने सारी चीज़ें सोच ली थी अंदर, फिर मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, फिर मैंने पूजा पाठ मैंने करना छोड़ दिया 2023 में। और फिर मैंने उसके बाद जब मेरे साथ फिर से और बुरी चीज़ें होने लगी, फिर से मैंने डेली अक्टूबर में, मैं 19 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था, मैं गई मंदिर गई, उन्होंने मुझे दुर्गा चालीसा का पाठ बताया, दुर्गा मतलब दुर्गा माँ का एक श्लोक बताया तो मैंने वो श्लोक डेली पढ़ा, और उसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ मतलब शाम को डेली करती थी। फिर मेरे जितने भी काम होने लगे सब कुछ मंगलवार को हो रहा है, सारी चीज़ें मतलब मंगलवार मंगलवार के दिन। तो और जो भी अभी भी मेरे यहाँ जो कथा वथा हुआ अभी फ़िलहाल में, तो ये बहुत सालों बाद हुआ है मेरे घर में यहाँ पे। और भगवान, जब भगवान जी ना कभी कभी ना आपको किसी चीज़ के लिए निमित्त बनाकर आपसे कोई अच्छा काम करवाना चाहते हैं, तो मैं ये ऐसा मानती हूँ कि ईश्वर ने चाहा कि मेरा बेबी मूर में हो, जो भी बोलते हो, मुझे बोलना ना आ रहा हो, तो उस वजह से कथा भी हो गई घर में, वरना पता नहीं होता या कभी होता, बाय चांस नहीं होता। तो ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, किसी चीज़ को दोष नहीं देना चाहिए ना कुछ कहना चाहिए। आधा वीडियो मैंने कल शूट किया था, आज बता रही हूँ आप लोग से कहानी। और अभी मैंने फ़िलहाल में हनुमान जी को मैंने फ़ोटो रखी है ऊपर अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, सबसे ऊपर रखा है, तो मैं उनके हाथ हाथ जोड़ लेती हूँ। और पूजा भी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, तो हाथ डेली जोड़ लेती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ। तो आप कहीं भी निकलिए ना, तो ईश्वर का नाम लेके निकलिए। जो आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होगा, सब अच्छा होगा, बस सब्र के साथ इंतज़ार करना पड़ता है। सब्र हम लोग के अंदर बहुत कम होता है, पेशेंस सभी खो देते हैं, तो मेरे अंदर भी ऐसा था, तो लेकिन अब सब अच्छा है। और मैं फिर से पूजा स्टार्ट करूँगी भगवान जी की, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। तो यही मुझे बताना था और मैं बता रही हूँ। और बस आज है 14 तारीख है शायद। हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, और मतलब 10 मिनट बाकी हैं, तो बस बजने वाला है। तो आज है 13 तारीख, और जैक जैक
कुछ खाता है क्या ये?